सतगुर पास बेनतिया मिले नाम अदारा। सतगुर पास बेनतिया मिले सच्चा पातशाह तप गया संसार टुटा सच्चा पातशाह भगता की टेक तू संता की ओट तू भगता की टेक तू संता की ओट तू सच्चा सिरजनहारा सच्चा सिरजनहारा सबे इच्छा पूरिया जब पाया अगम पारा सबे इच्छा पूरिया जब पाया अगम पारा गुरु नानक मिलया इच्छा पूरिया जब पाया अगम पारा सबे इच्छा पूरिया जब पाया अगम पारा सच तेरी समग्री सच तेरा दरबारा सच तेरी समग्री सच तेरा सच तेरे खजीनिया सच तेरा पसारा सच तेरा पसारा सच तेरा पसारा सबे इच्छा पूरिया अगम पारा सबे इच्छा पूरिया जब पाया अगम पारा गुरु नानक मिलया पार ब्रह्म गुरु नानक मिलया
तेरिया चरणा को बलहारा सबे इच्छा पूरिया इच्छा पूरियां जब आया अगम तेरा रूप अगम है अनूप तेरा दर्शारा तेरा रूप अगम है अनूप तेरा जिन हर नाम प्यारा जिन हर नाम प्यारा जिन हर नाम प्यारा जिन हर नाम प्यारा सबे इच्छा पूरिया इच्छा पूरिया जब आया अगम अपारा गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म गुरु नानक मिलिया
एको नाम त्याए मन मेरे ठाकुर प्रभु तेरी एक अवर श्रुति सब आस अवर श्रुति सब आस अचिंत ठाकुर पेटे गुणदास अचिंत ठाकुर पेटे गुणदास तुम ही कारण करण तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण चरण कमल हर शरण मन तन हर ओ ही त्याया मन तन हर ओ ही त्याया आनंद हर रूप दिखाया आनंद हर रूप दिखाया आनंद हर रूप दिखाया आनंद हर रूप दिखाया एको नाम त्याए मन तेरा होवे पूरा कार्य तेरा होवे पूरा हर 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 गुण गाए मन मेरे हर 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 गुण गाए मन मेरे एको नाम त्याए मन मेरे एको तिस ही की ओट सदीव तिस ही की ओट सदीव जाके कीने है जीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान सिमरत हर करत निदान राखण हार निदान सर्व की रेण हो बीजै सर्व की रेण हो बीजै पाप मिटाए मिलीजै पाप मिटाए मिलीजै अनदिन त्याए नाम अनदिन त्याए नाम सफल नानक एहु काम सफल ना
नानक एकार सफल नानक एकार सफल नानक एकार एको नाम त्याए मन मेरे एको नाम त्याए मन मेरे कार्य तेरा होवे पूरा कार्य तेरा होवे पूरा हर 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 गुण गाए मन मेरे हर 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 गुण गाए मन मेरे एको नाम त्याए मन मेरे एको नाम त्याए मन मेरे कार्य तेरा होवे पूरा कार्य तेरा होवे पूरा एको नाम त्याए एको नाम त्याए एको नाम त्याए मन मेरे परम सत्कार जो सतगुरां दी साजी निवाजी हुई साथ संगत जीओ आप जी बहुत ही वडभागे हो जो कि सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र बाणी सरवण कर रहे हो ते अपने जीवन दीयां इन्हां घड़ियां नूं सफला बना रहे हो। सच्चे पातशाह जी दा कुटानकोट शुक्र है कुटानकोट धन्नवाद है जो सेवक परिवार स्वर्गवासी सरदार मक्खण सिंह जी इन्हां दे समूह परिवार वल्लों साहिब जी दीयां दित्तियां होईयां बख्शिशां सुंदर इस घर इसका शुकराना अते अपने सपुत्र काका राजविंदर सिंह दे व्याह दीयां खुशियां दे विच सतगुरु जी का शुक्र करदिया होया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र बाणी का प्रभाव इस घर दे विच चलाया होया है। सच्चे पातशाह जी गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र बाणी श्री सुखमनी साहिब दा जाप आप जी ने सरवण किया है सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रकट सब लोए सब ते उच्च पाए अस्थान बहर न होवे पावन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए। फिर महाराज जी कहते हैं श्री उपर ठाडा गुरसूदा नानक ताके कारज पूरा ठाडा का अर्थ हुंदा है जिस दे सिर दे उपर मालक खड़ा हो ठाडा का अर्थ खड़ा मौजूद है जिस मालक का वो टासरा। सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि उस सेवक नूं किसी भी तरह की चिंता रहिंदी नहीं जिसने उस परिपूर्ण परमात्मा नूं अपने जीवन दी सारी जिम्मेवारियां सौंपियां हन। जाका मीत साजन है समिया तिस जन को कहो का की कमी जिदा मित्र सारे पासे समाया हो। जाका मीत साजन है समिया समिया दा अर्थ समाया होया तिस जन को कहो का की कमियां भला दसो भाई उस जीव नूं कोई घाटा रह सकदा है कोई चिंता रह सकदी है। जाकी प्रीत गोबिंद सिंह लागी दुख दर्द भ्रमता का भागी जिदी प्रीत उस गोबिंद दे नाल लगी हो जिदी प्रीत उस गोबिंद मालक दे नाल लगी होवे ते उनू कोई भी दुख व्याप नहीं सकदा दुख दर्द भ्रमता का भागी सब कुछ ओदा नाश हो जांदा है जिस दी प्रीत उस गोविंद मालक दे नाल होवे परमेश्वर दे नाल होवे।
जाको रस हर रस है आयो सो अनरस नहीं लपटायो। जिन्हों गुरु की बाणी दे विच रस आता है ना, गुरु की सेवा करके रस आता है, आनंद मिलता है। गुरु दी संगतां दा आओ भगत करके आनंद मिलता है। वह फिर दुनिया की वाह वाह खटन वाले पासे नहीं जाता, वह अपनी जय जयकार जय जयकार कराने के पासे नहीं जाता, वह भी एक रस है। जय जयकार करानी लोग बल्ले बल्ले करन, वह भी एक रस है। जाको रस हर रस है आयो सो अनरस नहीं लपटायो। जाका कहया दरगह चलै, जिहदा कहया होया जिहदी अरदास उस दरगाह दे मालक दे चरणा विच पहुंचदी है, सिद्धी गलबात है। जाका कहया दरगह चलै सो किस को नजर लै आवै पल्लै, ओ भाव किसी होर दी निगाह दे हेठ आ करके उहदा मुथाज बन सकदा, वो किसी होर की मुथाजी कर सकता है, किसी होर की चाकरी कर सकता है, किसी होर की गुलामी कर सकता है, भला नहीं। जिस बंदे की बादशाह दे नाल मित्रता होवे वो वजीरां तों नहीं डरदा, वो फिर सिपाहियां तों नहीं डरदा, वो फिर दरबारियां तों नहीं डरदा। जाका कहे दरगह चलै सो किस को नजर लै आवै तलै, जाको रस हर रस है आयो सो अनरस नहीं लपटायो। सच्चे पातशाह जी कहने के भाई कोई भी अरदास है, कोई भी दुख है, कोई भी चिंता है ना, उसनू निपटारा कराना है, उस तो बचना है, तो एको कम करना पवेगा, जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर, गुरु दे की अरदास कर। ते इस कलयुग दे भयानक समें दे विच जागदी जोत कोई एक है, वह है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। होर दुनिया के जितने भी गुरु हैं, महाराज जी कहिंदे उन्हां दी उम्र है कोई 10 साल है, कोई 20 साल है, कोई 50 साल, 100 साल भी कोई जी लवेगा, पर उहदी जिहड़ी जोत जगदी है ना, भाव कि उहदा जिहड़ा नाम चमकदा है, जो उहदा नाम चमकदा है वह साल दो साल ही चमकेगा, बाद विच मध्यम पै जांदा है, वह झूठे हो जांदे हन, वह पखंडी साबित हो जांदे हन। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी 550 साल तो गुरु नानक के मुखों बाणी उच्चारण हुई है, उदों तो अज तक कोई नहीं झुठला सकिया कि यह बाणी गलत लिखी है, कोई नहीं कह सकता कि इस बाणी नूं गलत है, तो इसनों कट दिओ, खत्म कर दिओ, ये विचों कट देनी चाहिए। महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी 550 साल 52 साल तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी भाव के जदों के गुरु नानक देव महाराज जी आए, उतों पहला भी यह दरगाह के बाणी गाई जाती सी। संत संत जन महापुरश ब्रह्म गयानी कहते हैं ये साढ़े को अज आई है ना, शब्दों के रूप अज आई है, पर गुप्त रूप के सचखंड के जेडे उतों के रहने वाले वासी हैं वो उदों गाते सन, उदों ही पढ़ते सन। इस करके सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज को कहना पाया कि धुर की बाणी आई तेन सगली चिंत मिटाई। सिखा ने पूछा महाराज इन धुर की बाणी क्यों कहते हो, धुर की हुंदा है, धुर भाव कि उस अकाल पुरख के घरों आई है, किसी होर के घरों नहीं। धन गुरु नानक देव महाराज कहते जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। जिदा की बाणी मैं उस अकाल पुरख के दिते हुए सोमे दे विचों, सोमा की है हिरदा, वह परमात्मा हिरदे विच बैठा है ना, वह सोमे जिदा का पानी निकलता भाई उदा के झरने विच पानी डिगेगा, वह अकाल पुरख हिरदे विच बैठा होया बाणी आप भेजद, मैं अपने मूहों कुछ नहीं बोलता, मैं हों आपो बोलना जानता, मैं कहया सब हुकमाओ जीओ, मैं वो अकाल पुरख के हुक्म दे नाल कहना, अपनी मर्जी दे नाल नहीं कुछ कहता, मैं कहया सब हुक्माओ जीओ। इस करके महाराज कहिंदे धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच वखाना। उस अकाल पुरख के घरों आई बाणी जिहड़ा इहदा पल्ला पकड़ लवेगा ना ते उसनू धुर तक लै जाएगी। आखो सतनाम, उसनू 84 लाख जूनां विच धक्के नहीं खाण देवेगी, उसनू दुनिया के किते भी भटकन की लोड़ नहीं पवेगी, दुनिया में किते भी उसनू हाथ हट के मंगना नहीं पवेगा, दुनिया दी सारियां खुशियां उहदियां पूरियां होणगियां।
सेवक परिवार सरदार मक्खण सिंह जी तना दे समूह परिवार ने सतगुरु जी दीयां बख्शिशां जो मिलियां हन उन्हां दा शुकराना करदियां होइयां ते अपने सपुत्तर काका राजविंदर सिंह जो आनंद कार्ज वास्ते गए हन लड़की परिवार दे घर दे विच आनंद कार्ज हो चुका है पांच टेप ते ओ कार्ज संपूर्ण करके जितनी देर तक वो आ रहे हैं उतनी देर तक सारिया संगत गुरु साहब जी का हरजा सरवण कर रहे हो नहीं तो घर घर खुशियां का माहौल ही होर होंदा है विआह वाले घर होर माहौल होंदा तो बहुत दिखावा भी होंदा है विआहां दे विच जितना खर्च किया जाता है सारी जिंदगी उतनी बंदा कमाई नहीं करता बहुत विखावा किया जाता है विआहां दे उपर पर एक किसी किसी विरले नू सोझी मिलती है कि आपां सीमित रह के गुरु का ओट आसरा लैके इस खुशी नू मनाया जाए तो परिवार ने यह उदम किया है वो व्याण गए हैं तो पिछे जिहड़े रिश्तेदार सके संबंधी आंढ गुआंढ वाले हैं उन्होंने वास्ते सतसंगत अते उपरंत उन्होंने आने तो बाद इस तरह गुरु साहब जी का आशीर्वाद लिया जाएगा गुरु साहब जी घर बैठे हैं तो महाराज के चरणी आके सुभाग जोड़ी मत्था टेके इस तो वड्डी खुशी वाली कोई गल है महाराज कृपा करन आओ इस तरह हर जस कीर्तन का आनंद माणिए ते साहब जी दी खुशियां प्राप्त करिए जा तू मेरे वल है ता क्या मुह छंदा ता क्या मुह छंदा जा तू मेरे वल है ता क्या मुह छंदा ता क्या मुह छंदा जा तू मेरे सब किच मैनो सौंपिया जा तेरा बंदा तुझ सब किच मैनो सौंपिया जा तेरा बंदा तुझ सब किच मैनो सौंपिया जा तेरा बंदा तुझ सब किच मैनो सौंपिया जा तेरा बंदा जा तू मेरे वल है ता क्या मुह छंदा ता क्या मुह छंदा जा तू मेरे वल है ता क्या मुह छंदा ता क्या मुह छंदा लखमी तो टन्ना आवई खाए खर्च रहंदा लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा लखमी तो टन्ना आवई खाए लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा जा तू मेरे वल है ता क्या मुह छंदा ता क्या मुह छंदा जा तू मेरे वल है ता
कुछ मैनो सौंपया जा तेरा बंदा तुझ सब कुछ मैनो सौंपया जा तेरा बंदा तुझ सब कुछ मैनो सौंपया जा तेरा बंदा तुझ सब कुछ मैनो सौंपया जा तेरा बंदा जा तू मेरे वल है ता क्या मुँह संदा ता क्या मुँह संदा सब की तिया नह मंगे मंदा लेखा कोई ना पुछई जा हर बख्शंदा ए वैरी मित्र सब की तिया नह मंगे मंदा लेखा कोई ना पुछई जा हर बख्शंदा लेखा कोई ना पुछई जा हर बख्शंदा जा तू मेरे वल है ता क्या मुँह संदा ता क्या मुँह संदा जा तू मेरे वल है ता क्या मुँह आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा जा तू मेरे बंद है ता क्या मोह संदा ता क्या मोह संदा तुद सब किछ मैनो सौंपया जा तेरा बंदा 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 जा तू मेरे वल है ता क्या मोह संदा ता क्या मोह संदा जा तू मेरे वल है ता क्या ता क्या मोह संदा जा तू मेरे बंद है ता क्या मोह संदा ता क्या मोह संदा
जा तुम मेरे वल है ता क्या मोह चंदा। पावन बचन सतगुरु जी दी बाणी दा जी ने कीर्तन दे रूप सरवण कीता है। सच्चे पातशाह जी कहंदे नु समालक दे अगे अरदास बेनती करदे होया माण दे नाल प्राउड दे नाल कहंदे हन कि ऐ मेरे मालक जे तू मेरे वल है भला मैं किस दी मोहताजी करा, किस दे अधीन हो के रवां, किस दा गुलाम बन के रवां। मैं तो तेरा दास हाँ, तेरा दास, तेरा दास बन के जिंदगी बतीत करना चाहता महाराज। तुद सब कुछ मैनू सौंपया जान तेरा बंदा, तू मैनू बहुत कुछ सौंपया बचपन दे विच, फिर जवानी दे विच, फिर बुढ़ेपे दे विच, मेरा साथ एक तू ही तो है। जे मैं तेरा बंदा बनया हाँ ते इस करके तू भी अपनी जिम्मेवारी पूरी निभांदा है। बचपन तो लैके हुण तक सारियां लोड़ां इस तू अपने बंदे दीयां पूरियां करदा है। जां तेरा बंदा लक्ष्मी टोट ना आवई खाए खर्च रहंदा। तेरे बंदे नूं तेरे दास नूं कदे भी दौलत की कमी नहीं रहिंदी। बेशक उहदा जिहड़ा खर्चा बड़ी मुश्किल दे नाल चलदा होवे, बेशक उहदी जेबां खाली होण, बेशक उहदा अकाउंट खाली होवे, पर मालक जिहदे वल तूं हुंदा है ना, जा तूं मेरे वल है तां क्या मोह हुंदा। उहनूं किसे वी तरां दी टोट नहीं रहिंदी। इधरों पैसा आया ते उधर जिहड़ी चीज़ की लोड़ है वह मिल जाती है। कोई भी कारज है जिवें घर बनाउणा है, विआह करना है, पैसा कोल नहीं हुंदा, पर जिस दी ओट उस मालक दी उपर होवे ना ते मालक उसे उसदे कारज नूं किते रुकण वी नहीं दिंदा। खाए खर्च रहंदा, लख 84 मेदनी सब सेव करंदा। 84 लख जूना धरती दे उपर जितनियां वी जूना हन मालक तू मेरी सेवा करन वास्ते बनाईआं हन। धुप मेरी सेवा दे वास्ते, पानी मेरी सेवा दे वास्ते, अग मेरी सेवा दे वास्ते, अवर जोन तेरी पनिहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी, सारी धरती दे जीव जंतु महाराज मेरी सेवा करन दे वास्ते बनाए ते मैनू होर कादी मोहताजी चाहीदी है। मैं क्यों आमी पिपलां नूं पूजदा रहां, मैं क्यों बोहड़ां नूं पूजदा रहां, मैं क्यों पानी नूं पूजदा रहां, मैं क्यों अग नूं पूजा, मैं तां तेरी पूजा करांगा। इह वैरी मित्र सब कीतियां, जितने भी मेरे वैरी हन अंदरूनी जां बाहरी, नह मंगै मंदा, हुण तेरा बन गया मैं, मेरा कोई वैरी भी नहीं। वैरी उदों हन जदों मैं वैर कमावां, दूजा भावें वैर कमाई जावे, मैनूं गालां कढ़ी जाए पिट्ठ विच, मैनूं की फर्क पैंदा। मेरे मुँह ते मैनूं मंदा चंगा कही जावे, जे मैं उहदा जवाब देवांगा ना तां ही मैं वैरी हां। जे मैं उहनूं कुछ कहिंदा नहीं, मेरे अंदरों वैरता निकल गई है, ते मैं हुण किसे दा मंदा चित वधाए नहीं। जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, जंज कह लो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिदा की निगाह अपनी होवे उदा की सारी दुनिया लगती है। जे मैं चोर हाँ तो कहना सारी दुनिया चोरां की है, जे मैं ईमानदार हाँ तो आप कह सारी दुनिया नहीं भाई, इदा नहीं, कोई बेईमानी नहीं कर सकता। आप भरोसे से सारी जिंदगी टिकी है, दुनिया भरोसे के उपर टिकी हुई है। ये वैरी मित्र सब किते नह मंगे मंदा, लेखा कोई ना पुछही जा हर बख्शंदा। जिन्हों तू बख्श लैना है वो गुनाह उन्हें पाप उदी गलतियां माफ हो जाने, किसी चीज का लेखा पूछ ही नहीं सकता। कोई आनंद भया सुख पाया मिल गुरु गोबिंद, गुरु ग्रंथ साहब महाराज मिलके महाराज मैं गोबिंद नूं प्राप्त किया। गोबिंद कौन है? गो नाम सृष्टि धरती, बिंद धरती नूं पालन वाला, वह धरती नूं पालन वाला, धरती की रक्षा करन वाला मालक महाराज। जदों मैं उन्होंने प्राप्त किया तो मैनूं बड़ा आनंद मिलिया, बड़े तरह के सुख मिले, बड़ियां खुशियां मिलदियां हन, बहुत सुख प्राप्त किया है। सबे इच्छा पूरियां जां पाया अगम पारा, गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरियां चरणा को बलिहारा। पहला शब्द जिहड़ा आपने सरवण किया, सबे काज सवारे हैं जां तुद पावंदा। जदों तुसीं किसी कार्य शामिल हो जाते हो महाराज, जिस कार्य तुहाडी शमूलियत है वो कार्य संपूर्ण होंदे ही होंदे हन। आपां कहिंदे आपां कार्य सफल हो जाण साडे, कार्य तो सारे दे हो जाते हैं,
गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पाठ कराओ भावे ना कराओ हो ही जाने पूरे, पर जो खुशी मिलनी है तो गुरु की असीसा मिलनी है, होर कि मिल सकती। गुरु की सेवा करके ही, गुरु की बाणी पढ़ के ही खुशी मिलनी है। जो गुरु की खुशी मिलती है ना, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। गुरु की खुशी लैनी है, फिर संगत की खुशी लैनी है। संगत नूं ये नहीं समझना कि साडा गवांढी है, यह साडा अमीर गवांढी है, यह साडा गरीब गवांढी है। अमीर नूं पुछी जाना ते गरीब नूं सति श्री अकाल भी नहीं बुलाणी, इदां नहीं। संगत रूप करके मनना हरेक जीव नूं, कोई भी घर विच आवे उस नूं संगत गुरु दा रूप समझना है। जिथे भी आपां इकट्ठे होईए, आपां इह वी कहिंदे कि बड़ी भीड़ इकट्ठी होई है, रेलवे स्टेशनां ते बड़ी भीड़ हुंदी है, बस स्टैंड ते बड़ी भीड़ हुंदी है, मॉलां दे विच, सिनेमियां दे विच, होर इकट्ठां दे विच बड़ी भीड़ हुंदी है, मंत्रियों की रैलियां दे विच बड़ी भीड़ हुंदी है, और मंत्री भी कहे जांदे साध संगत जी, उत्थे फतेह भी बुलाई जांदी है, साध संगत जी फतेह बुलाओ, पर उन्हां नूं संगत नहीं कहा जाता। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के कोल भावें दो ही सिख बैठे हों, उन्हें कहा जाता गुरु रूप साध संगत जी। आखो सतनाम वाहिगुरु। गुरु रूप साध संगत कहा जाता, तो जितना सत्कार गुरु का है तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सतगुरां ने दसां पातशाहियां ने संगत का सत्कार करने वास्ते किया है। सच्चे पातशाह जी धन गुरु अर्जन देव महाराज, उन्होंने जीवन के उदाहरण लईए। जो चंदू की धी का रिश्ता गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने आया, पंडित प्रहोता ने रिश्ता तय कर दिता चंदू की धी का गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के नाल। चंदू कह लगा हंकार के भुखियो प्रहोतो, वह लालची पंडितो, तुसी की कीता, मैं एडा वड्डा दीवान जहांगीर दा लाहौर दा दीवान, मैं मेरी धीर जिहड़ी मेरी धी है वह राणियां दे वांगू रहण वाली, ते तुसी वह साधुआं दे घर जाके रिश्ता करन दा, वह फकीरां दे घर जाके रिश्ता करन दा, तुसी इंज कीता चुबारे की इट नूं मोरी थां ते लाण वास्ते घर आए, चुबारे की इट मोरी नूं अड़ दित्ती, ये गलत कीता है। फिर सारे ने समझाया कि भाई जे ना कर दी ना रिश्ते नूं, दोबारा रिश्ता नहीं सौखा होंदा, जे एक बारी ना कर दी, हुण होया सब कुछ देख दिखाइया होया। चंदू कहण लगा चलो ठीक है कोई गल नहीं, पर जे मेरी धी उस घर विच चलेगी ते इहनां सिखड़िआं दी मां कहावेगी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हंकार विच बोलदा है उस दे दरबार दे विच, उस दे घर दे विच नौकरी करदे सन गुरु घर दे नाल प्रेम करन वाले भी, उन्होंने बाहर जाके सिखां दे नाल गल कीती कि चंदू तेदा हंकार दे विच बोलदा है। चंदू ने सगन भेजता अमृतसर वल नूं श्री हरगोबिंद साहब महाराज दे वास्ते, ते सिखां ने रल मिल के मता पास कीता कि संगत साध संगत जी चंदू ने गुरु घर नूं बड़ा छोटा किया, अपने घर नूं वड्डा किया, गुरु नानक दा घर साडे वास्ते सब तों वड्डा है, गुरु नानक तो परे साडे वास्ते कुछ नहीं है। चिट्ठी लिखी महाराज चंदू दी धी तां ने माणी है पर चंदू बड़ा हंकारी है, की कीता जावे। संगत दा ये फैसला कि चंदू दे नाल राबता नहीं जोड़ना, कोई रिश्ता ना जोड़ना। इन्हें यह बचन बोले हैं कि चुबारे की इट मोरी नूं ला दित्ती, इतना वड्डा अपने आप नूं ते गुरु घर नूं छोटा किया है, पर सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी उधर सारियां रस्मां हो रही हैं, सगन दियां रस्मां होनियां हैं, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बैठे, सारा सरीका भाईचार बैठा है, रिश्तेदार पहुंचे हैं, गुरु अर्जन देव महाराज के सहुरा परिवार भी पहुंचा है, महाराज जी के गोइंदवाल साहब तो परिवार पहुंचा है, नानका परिवार, बीबी भानी के पेके भाव के बाबा मोहरी जी, बाबा मोहन जी, जितने भी है सब पहुंचे हैं। संगत दूर दरेडे तो आई कि हरगोबिंद जी का अज सगन है। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ज्यों ही संगत विचरे तो सिख ने आ करके चिट्ठी पकड़ाई, महाराज लाहौर दी संगत का आ पैगाम आया है, बाकी तुहाडी मर्जी है, जे तुसी अपनी नक रखनी चाहते हो तो रिश्ता करते हो कि दीवान दे नाल रिश्ता जुड़ता पिया है, राज दरबार दे साडा रिश्ता जुड़ता पिया है, दीवान चंदू दे नाल जहांगीर दे नाल साडी होर राबता वध जाएगा, साडी जान पहचान वध जाएगी, फिर तुहाडी मर्जी है, जां तुसी संगत दा हुक्म मान लो, संगत दा फैसला भी तुसी देख लो कि चंदू दे नाल कोई राबता नहीं जोड़ना।
सतगुरु जी ने चिट्ठी पकड़ी, पंडितां नूं कहा कि भाई संगत दा हुक्म आया कि चंदू दे नाल कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। पंडित डरदे सन, पुरोहित डरदे सन कि असीं हुण इदां ही खाली गए तो सानूं सजा मिलेगी, चंदू बड़ा गुस्सेखोर है, सानूं मार देवेगा। पर विचारे परे होके बैठ गए। सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने संगत दा हुक्म अगे रखिया, संगत दी जिहड़ी मंग सी उहनूं अगे रखिया कि संगत नूं मैं नाराज नहीं कर सकदा, संगत दा हुक्म सिर मत्थे है, मैं यह नहीं देखना कि मेरी नक रह जाए। गुरु साहब ने भी संगत नूं बड़ा माण दिता है, संगत नूं बड़ा प्यार दिता है। उसे वक्त गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का रिश्ता डले पिंड दे वसनीक भाई पारो जो गुरु अंगद देव महाराज जी दे सिख सन, गुरु अमरदास महाराज जी दे नाल भी रहे, गुरु रामदास महाराज जी दे नाल भी रहे, अगों उन्हां दे पुत्र भाई नारायण दास अपनियां धीआं दे नाल आए सन, अपने पुत्र दे नाल आए सन, क्योंकि वड्डे वडेरे उन्हां दे गुरु घरां दे सन ते गुरु दे पुत्र दा अज सगन है ते इह वी आए सन। डल्ला पिंड भाव के सुल्तानपुर लोधी दे कोल है। जदों आपां नकोदर तों जाईए ना परे नूं सुल्तानपुर लोधी वल नूं ते उदों आउंदा डल्ला पिंड। डल्ला पिंड उत्थों दे वसनीक दरिया टप के ब्यास दरिया तों पार हो करके इह परिवार अपने परिवार समेत गुरु साहिब दर्शन कराया ते गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे साध संगत जी संगत दा हुक्म सिर मत्थे रखिया है ते हुण संगत ही मैं सिर मत्थे रखांगा। संगत दे विच कोई ऐसी आवाज आवे, कोई अपनी धी दवे जिसनों असीं अपने घर की नौ बना लैणा, गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज नाल साख जोड़ दीए। ते जदों महाराज ने बचन कहे ते कई रिश्तेदारी खड़े हो गए, कहण लगे साडी धी दा रिश्ता कर दिओ जी, इस घर वर्गा कोई लभणा बादशाह दे वांगू इन्हां दे रहण सहण है, किसी चीज की थोड़ नहीं, संगत इन्ना सत्कार करती, रब वांगू पूजन वाला घर है। सारे कह लगे साडी धी दा रिश्ता करो, साडी धी दा रिश्ता करो, पर सतगुरु कह लगे नहीं नहीं रिश्तेदारी विच नहीं करना, अजे पहला संगत नूं अगे रखो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। देखो सतगुरु जी ने संगत नूं फिर अगे रखिया। संगत दे विचों भाई नारायण दास जी डल्ले पिंड वाले उठे, कहण लगे सतगुरु जी साडे वड्डे वडेरे मेरे दादा जी भाई पारो जी गुरु घर की सेवा कीती है ते असीं वी सेवा च जुटे रहने आ ते मेरियां धीआं वी सिक्खी नूं प्रवान हन, सिक्खी प्रवान कीती इहनां ने, बड़ी बाणी पढ़दियां हन ते बड़ी सेवा करदियां हन। बीबी रामो ते बीबी दमोदरी, बीबी दमोदरी दा रिश्ता महाराज जी मैं चाहुंदा कि तुहाडे पुत्र दे नाल हो जावे। साडी हैसियत नहीं, साडे कोल इतना पैसा नहीं, साडी हैसियत तुसी गुरु हो असी सिख हां, तुसी बड़े उच्चे असी बड़े नीवे आ, पर जे तुहानूं चंगा लगे ते इह रिश्ता जुड़ सकदा। गुरु अर्जन देव महाराज कहण लगे कोई गल नहीं, माता गंगा जी दे नाल सलाह कीती, सारे परिवार दे नाल सलाह कीती। जदों धी नूं देखिया ना, बीबी दमोदरी नूं देखिया, सतगुरु जी ने यह नहीं देखिया कि गरीब घर है, यह नहीं देखिया कि की करदे हन, किहो जिहा कारोबार, किदां किन्नी क जायदाद है। महाराज ने यह देखिया कि इहदे घर विच सिखी है ते इह धी साडी हुई है। जदों आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, इह धी साडी है। सतगुरु जी ने उसे वक्त दोहां दी झोली विच सगन दा रुपया पाया ते भाई नारायण दास नूं कहण लगे भाई नारायण दास जी अज तों बाद तुसी सिख नहीं, असी कल्ले गुरु नहीं ते तुसी साडे हुण रिश्तेदार बण गए, साडा साग जुड़ गया है, किसी भी चीज की लोड़ होवे ते बिना झिझक तुसी मंग लिया करो, ऐ तुसी सानूं अपनी धी नहीं दित्ती, अपने जिगर दा टुकड़ा दित्ता है। इस घर दे विच इह राणियां दे वांगू राज करेगी। धन माता दामोदरी जी, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे महल ते उन्हां दी कुख तों बाबा गुरदित्ता जी पैदा होए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिन्हां नूं कहा जांदा धन बाबा गुरदित्ता, दीन दुनी दा टिक्का जो वर मंगिया सो वर दित्ता। बाबा गुरदित्ता जी दे घर दे विच दो पुत्रां दा जन्म होया, पृथ्वी चंद जिहड़ा गुरु घर दा वैरी तां रहा, पर उसे घर दे विच गुरु हर राय साहब महाराज का जन्म होया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु हर राय साहब महाराज के घर बाबा राम राय तो होए,
जो गुरु घर तो बेमुख हो गए पर उसे घर दे विच गुरु हरकृष्ण साहब महाराज भी होए हो। अको सतनाम श्री वाहिगुरु। बाबा गुरदित्ता जी ते बीबी दमोदरी जी ने जो गुरु घर की सेवा की है ना, माफ करना, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज तो बाद बाबा गुरदित्ता जी अते उन्हां दे धर्म सपत्नी सेवा करके जिहड़ा मान प्राप्त किया है उसनु भुलाया नहीं जा सकता। माता दमोदरी जी ने बड़ी सेवा कमाई, इस घर दे विच रह करके हुक्म नहीं चलाया, सिर्फ ते सिर्फ निम्रता दे नाल सिखां दी सेवा की, संगतां दी सेवा करके मान प्राप्त किया, वह मरतबा प्राप्त किया जिस मरतबे नूं पैसे दान नाल नहीं खरीदिया जा सकता, वोटां दे नाल नहीं खरीदिया जा सकता। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपनी नक रखण वास्ते नहीं, यह नहीं कहा कि मेरी नक रह जाए, राज दरबार दे नाल मैं मना करांगे तो मैनूं सजा भुगतनी पवेगी, तो फिर मारन भुगतनी भी पई, वह चीज़ वह दुख झलना पिया, पर संगत का हुक्म नहीं पिछे किया, रिश्तेदारां नूं पिछे कर दिता कि रिश्तेदारां दे विच रिश्तेदारी च रिश्ता नहीं करना, पर संगत नूं अगे रखिया, संगत नूं सिर मत्थे रख के एक गरीब घर दी धी नूं अपनी नूं बनाया महाराज जी ने। जा तू मेरे वल है तां क्या मोह शंदा, तू तो सब कुछ मैनों सौंपिया, जा तेरा बंदा सभे का सवारिया, जा तू पवन दा, जे महाराज तुहानूं पा जावे ना तुसीं कारज नूं एक मिनट तो पहला सवार दिंदे हो, संपूर्ण कर दिंदे हो। हाँ जी, जितनी देर तक वो परिवार सुभाग जोड़ी आनंद कार्ज करके आ रही है उतनी देर तक आप इसे तरह कीर्तन का आनंद माणते रहेंगे जी। आओ सारे कीर्तन का आनंद माणो। सतगुरु अपने सुनी अरदास सतगुरु अपने सुनी अरदास, सतगुरु अपने सुनी अरदास, कारज आया सगला रास, कारज आया सगला रास, कारज आया सगला रास, कारज
लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां। जे सतगुरु नजर करे, जे सतगुरु नजर करे, लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां। जे सतगुरु नजर करे, जे सतगुरु नजर करे, लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां। सबे थोक प्राप्ते जे आवे इक हाथ, सबे थोक प्राप्ते जे आवे इक हाथ, जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ। सच्चा शब्द कत गुरते महल प्राप्ते, जिस लिखिया होवे मत। गुरते महल प्राप्ते, जिस लिखिया हो लिखिया होवे मत, जिस लिखिया होवे मत। लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुरु नजर करे, जे सतगुरु करे, लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां। मेरे मन एक स्यों चित लाए, मेरे मन एक स्यों चित लाए, एक बिन सब तंग है सब मिथिया मोह माए। सब मिथिया मोह माए, सब मिथिया मोह माए, सब मिथिया मोह माए। लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुरु नजर करे, सतगुरु नजर करे, लख
खुशियां पातशाहियां लख खुशियां पातशाहियां निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए जिसको पूर्व लिखिया तुम सतगुरु चरण गए जिसको पूर्व लिखिया तुम सतगुरु चरण गए सतगुरु चरण गए तिन सतगुरु चरण गए लख खुशियां पातशाहियां लख खुशियां सफल मूरत सफला कड़ी जित सच्चे नाल पिया सफल मूरत सफला कड़ी जित सच्चे सच्चे नाल प्यार जित सच्चे नाल प्यार दुख संताप न लग गई संत सभा टोई तिस ही नो मिले जिन पूरा गुरु लबा टोई तिस ही नो मिले जिन पूरा गुरु लबा नानक बद्दा कर जन्म जरा जिथ मृत जन्म जरा लख खुशियां पातशाहियां लख खुशियां पातशाहियां लख खुशियां पातशाहियां लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे सतगुर नदर करे लख खुशी
लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे लखा ही खुशियां लखा ही पातशाहियां उदो मिलनगियां जे सतगुरु दी नदर होई जे सतगुरु जी दी कृपा दृष्टि होई ता मिलनगियां। निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए ते सतगुरु जी दे पासों नदर प्राप्त करन वास्ते इक्को ही चीज है वो है एक चित जह इक्षण त्यायो काल फांस के बीच नायो किनका एक जिस जीव सावे ताकि महिमा गनी नावे। निमक एक हर नाम एक नाम दी बूंद जे गुरु दे दरों ते करों मिल जावे ता उस जीव नूं कोई भी काटा कोई भी जिंदगी दे विच तोट नहीं रहती कोई भी तोट नहीं रहती। निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल हो जिसको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु चरण गए जिन्हों पूर्वले जन्मा तो पूरा गुरु मिलन दा ए सुभाग समा मिलना है उसे नूं ही गुरु दे चरण स्पर्श करन दा सुभाग समा मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हरेक दे घर विच आ सकदे हन पर मन करके जिहड़ा आनंद प्राप्त करदे ना गुरु दी खुशी प्राप्त करदा है कोई विरला सुभागा ही है कोई विरला है। सेवक परिवार नूं इह खुशी मिली है सेवक परिवार नूं इह सतगुरु जी दा आसीस आशीर्वाद मिलिया है कि एक पासे विआह दीआं खुशियां दूजे पासे साहिब जी दी पावन पवित्र बाणी दा जाप कीर्तन वो नाले नाल चलदा है। सो आपां हुण समाप्ति वल वधीए क्योंकि सुभाग जोड़ी पहुंच चुकी है ते आपां आनंद साहिब दा जाप करके फिर अरदास भी शामिल होईए कीर्तन करदे आ कथा करदे आ आप जी दी सेवा निभांदे होया अनेक प्रकार दी गलतियां भुल चुका हो गईआं हन सतगुरु जी ते संगतां बख्शन योग हन सेवक परिवार नूं सारे रिश्तेदारां नूं ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਚਾਵ ਸਹਿਯੋਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਆਹੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸੈ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਮਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਦ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਬਣਿਆਇਆ ਸ਼ਬਦੋ ਤਕਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇ ਰਾਮ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਸਾਰਨਾ ਜੁਗੀ ਪਾਰ ਤੂੰ ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰ ਸਭ ਨਾਮ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਚੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੀ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮਿਲਾਇਆ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਸਿਆ ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੂ ਪਿਆ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਤਕਾਰ ਸੁਭਾਗੈ ਹਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕਉਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸਕੋ ਵਾਤਿਤ ਕਰਿ ਅਨਹਿਤ ਬਾਜੇ ਅਣਤ ਸੁਣੋ ਵਡ ਪਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਵਿਸੂਰੇ ਗੁਰੋ ਕੀ ਸੰਤਾ ਕੋ ਤੇਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਤੇ
ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਲਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਇਸ ਰਾਜ ਵੇਦਾਈ ਦਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗਿਣੇ ਕੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਸਖਤ ਕਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ